हेलो, वेलकम टू एग्रीबडी। तो आज हम इस सेशन में एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, बहुत सारी स्कीमें लॉन्च कर रही है ताकि फार्मर का बहुत अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो और मोस्टली उनकी जो इनकम है उसे डबल कर सकें। तो जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लान है कि 2022 तक जो फार्मर्स की इनकम है उसे डबल करना है, और जो हमारा विज़न 2022 है उसे अच्छे से अचीव करना है, बढ़िया से तरीके से अचीव करना है, ताकि हर एक फार्मर्स को उसका जो प्राइस है अच्छे से मिले और उसकी इनकम को डबल कर सके। तो ऐसी एक स्कीम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये एक वेलफेयर स्कीम है, फार्मर वेलफेयर स्कीम। ये जो स्कीम है आपको बेनिफिट पहुंचाएगी 60 साल के बाद, यानी रिटायरमेंट एज के बाद, 60 साल के बाद आपको ये स्कीम जो है बेनिफिट पहुंचाएगी। और 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपये पर महीना, मतलब 3,000 रुपीज़ पर मंथ आपको पेंशन मिलेगी, फार्मर को पेंशन मिलेगी। लेकिन इसका बेनिफिट उठाने के लिए, आपको कुछ प्रीमियम भरनी पड़ेगी 60 साल तक। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकेंगे। तो सबसे पहले कि यह है कि जिनकी एज 18 से 40 साल तक है, ना 18 से कम ना 40 से ज़्यादा, जिनकी उम्र 18 से 40 साल तक है वही इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, वही लोग इस स्कीम से जुड़ सकते हैं, वही फार्मर्स इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरा, जिनकी इनकम 15,000 से, यानी 15,000 से कम है, वो भी इससे जुड़ सकते हैं। और एक पहलू और है कि इसमें जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम कल्टिवेटेड लैंड है वो भी इससे जुड़ सकते हैं। तो उन्हें इस स्कीम का बेनिफिट उठाने के लिए, यानी 60 साल के बाद किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा उसके लिए क्या करना है, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना है, जो कि 9 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन। तो आपको CSC सेंटर में जाना है, यानी कॉमन सर्विस सेंटर में, जन सुविधा केंद्र बोलते हैं जिन्हें, उनमें जाके रजिस्ट्रेशन करवाना है। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको नॉर्मल सी, जितनी नॉर्मल सी इसमें रेंज है कि 55 रुपये से लेके 200 रुपये तक, 55 से 200 रुपये तक आपको 60 साल तक भरने हैं पर महीना। हर महीने आपको 55 से या 200 रुपये आप किसान अपनी उम्र के हिसाब से भर सकते हैं, जैसे 18 साल तो 55 रुपये, ऐसी ऐसी करके 60 तक 200 रुपये। लेकिन एक और बात, अगर आप किसी और पेंशन योजना से जुड़े हैं तो आप इसका फायदा नहीं उठा सकते। अब कुछ बातें हैं कि मान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बीच में, यानी 60 साल से पहले किसी फार्मर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि जो उसकी वाइफ होगी तो वो प्रीमियम भर के दोबारा से उस स्कीम में कंटिन्यू कर सकती है, या कोई नॉमिनी हो वो कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर उस फार्मर का कोई नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि जो उसका टोटल कंट्रीब्यूशन होगा, जो उसने जितनी प्रीमियम भरी होगी प्लस जितना उस पर जितना इंटरेस्ट बन रहा होगा उसका, वो सारा दे दिया जाएगा नॉमिनी को, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जिसको नॉमिनी बनाया होगा। लेकिन दूसरी ये बात है कि अगर 60 साल के बाद, यानी स्कीम पूरी हो गई, ठीक है, 60 साल के बाद अगर फार्मर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो फार्मर की वाइफ रहेगी उसको 50% मिलेगा फंड का, 50% ऑफ द फंड। 50% हो गया 1500 रुपये, 1500 रुपये मिलेगा एज अ फैमिली पेंशन, उस फार्मर की फैमिली को मिलेगा फैमिली पेंशन जब तक उसकी वाइफ की डेथ नहीं हो जाती। तो ये कुछ बातें थी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की। अभी समझ लेते हैं कि किसान मानधन योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इंडिया में मोस्टली मार्जिनल फार्मर्स रहते हैं
और स्मॉल फार्मर्स रहते हैं, और इसमें 8 से लेके 10 करोड़ तक जो फार्मर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जहाँ पर ना पेंशन की सुविधा होती है ना कि ऐसी सुविधा होती है कि जब फार्मर रिटायरमेंट की एज में आ जाता है यानी 60 साल के बाद, जब वो एलिजिबल नहीं हो पाता है कि वो दोबारा फील्ड में जाके काम कर सके, कुछ कर सके, तो गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी है ताकि फार्मर को ये सपोर्ट कर सके, उसकी बेसिक जो नीड है वो रिटायरमेंट के बाद यानी 60 साल के बाद भी वो अपनी जो बेसिक नीड है उसे कंप्लीट कर सके। इसलिए इस स्कीम में 3,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा, पर मंथ मिलेगा, तो इसलिए ये स्कीम लॉन्च करी गई है। और इस स्कीम को और बढ़िया बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर, जैसे एक्सटेंशन ऑफिसर्स हो गया और काफ़ी सारे जो जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स होते हैं वो इस स्कीम को हर एक फार्मर्स तक पहुँचाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। तो ये थी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। और वीडियोस देखने के लिए एग्री बडी को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।